काजल, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, रूल ऑफ बॉड मास। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये गणित का बहुत ही बेसिक हमारा टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कैलकुलेशन बेस्ड कोई सिंपल क्वेश्चन हो, उसमें हमें सबसे पहले डिवीजन करना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, ब्रैकेट हटाना चाहिए या एडिशन करना चाहिए या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो आज हम उस रूल को पढ़ेंगे कि जिस रूल से हम इस प्रोसेस को, क्वेश्चन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो रूल हम देखेंगे आज। इसके पहले फ्रेंड्स, हमने बात की थी रूल ऑफ सिंबल्स पे, तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल पढ़ाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आप ही के लिए नए नए लेसन लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि टॉपिक है हमारा रूल ऑफ बॉड मास। ओके, तो आज हम हमारे बॉड मास के पूरे रूल को समझेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो एक हमारा रूल है, ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक्स आप समझ सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बॉड मास। अब बी से जो होता है हमारा वो ब्रैकेट होता है, इट मीन्स कि जब भी कोई इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप उसका ब्रैकेट हटाएंगे, ये पहला प्रोसेस है। ओके, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, ऑफ। अगर उसमें का करके या ऑफ करके कोई लिखा हुआ है बीच में तो पहले हम उसे कोष्टक के बाद उसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसमें डिवीजन है तो सबसे पहले फिर हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हम ए से एडिशन होता है, जोड़ते हैं उसको, और एस से लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आपने बॉड मास को याद कर लिया तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बड़ी आसानी से और कम टाइम में और एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम, और जो हमारे ब्रैकेट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, बड़ा, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इसका निशान हम ऐसे लगाते हैं सिंबल, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, और एक बार भी होता है, ये भी ब्रैकेट में आता है, ऊपर से बार लगा रहता है, उसे हमें हटाना रहता है। ओके, तो हमने देखा एक हमारा ऑर्डर क्या चलता है बॉड मास का, अगर हमने इसे याद कर लिया, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो भी हमने समझा है उसे हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। ओके, आइए, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें हम इस पूरे रूल को अप्लाई करेंगे, तो शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट यानी कि हमें कोष्ठक को हटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, 12 + 2 - 3 × अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने ब्रैकेट को, ये ध्यान रखिए छोटा ब्रैकेट है, इसे हम हटा देंगे, 6 डिवीजन टू हो। अब हम आते हैं सॉल्व करते हैं, फिर से हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट को हटा लिया, हमारा पहला प्रोसेस पूरा हो गया। अब उसके बाद ऑफ करके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। डिवीजन, डिवीजन है हमारे पास, उसका मतलब पहले हम डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे, करते हैं 12 + 2 - 3 × फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से हम 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। अब नाउ कम ऑन, अब हमें डिवीजन के बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना है, इट मींस कि यहाँ पे हम गुणा करेंगे, आइए करते हैं, 12 + 2 - हम लगा देंगे 3 × 3 = 9, ये हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम एडिशन करेंगे यानी कि 12 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 - 9, लास्ट में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, और यही हमारे पास बचा है, तो 14 में से 9 हमारा चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5। हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व किया और ये एक्यूरेट है और सही है। ओके, अब इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, आइए,
यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। चलिए ब्रैकेट हमने हटा दिया, ओके। अब आते हैं हम, हमने ब्रैकेट हटा दिया, उसके बाद ऑफ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, स्लिप को छोड़ देंगे। डिवीजन करना है, यानी कि अब हम डिवाइड करेंगे 9। अब ध्यान रखना है यहाँ पे डिवीजन में ये हमारे नंबर है, तो 3 2 6 हो जाएगा इंटू 5 - 10। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 5 10। ये ध्यान रखिए जो पास के नंबर होते हैं जिनके बीच में साइन लगाता होता है उन्हीं नंबर्स का डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। तो 2 5 10 हो गया हमारा, ओके। और माइनस यहाँ पे 10 हमारा लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन करना है। हम ऐड कर देंगे 9 + 10 हमारा 19 हो गया, उसके बाद -10। अब सीधे हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 19 में से 10 हमारा चला गया, आंसर हमें मिल गया 9। ओके, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी कम ऑन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हमारे पास दो दो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी हम इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, छोटा ब्रैकेट हटा लेंगे हम, ओके। अब जब हमने छोटे ब्रैकेट को हटा लिया तो हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है, अब हमें कर्ली ब्रैकेट को हटाना है, ओके। इसे भी हटा लेते हैं, ये भी हट गया हमारा। अब हमें क्या करना, ऑफ क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हम सीधे डिवीजन पर आ जाएंगे। देखते हैं कहाँ डिवीजन करना है, हमें यहाँ करना है, ओके। 10 + 3 - 4 3 = 12 हो जाएगा इंटू 3, ओके। डिवीजन के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 10 + 3 - 3 3 = 9 हो गया हमारा, ओके। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ये हमारा हो गया 13 और -9, लास्ट में हम सेपरेट कर देंगे। 13 में से 9 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर हमें 4 मिल गया। हमने इस तीनों क्वेश्चंस को इस पूरे बॉर्डमॉस के रूल को अप्लाई करके सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, अगर जब भी आप बॉर्डमॉस के रूल को याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रूल नहीं याद है तो क्या करते हैं, हम गलती ये कमिट करते हैं कि हम कभी मल्टीप्लाई पहले कर जाते हैं, डिविजन बाद में करते हैं, या हम क्या करते हैं, माइनस पहले कर देते हैं, प्लस बाद में करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमारी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आज हमने देखते हैं, फिर से देख लेते हैं कि हमने आज की अपनी क्लास में क्या पढ़ाई की, ओके। हमने रूल ऑफ बॉर्डमॉस को समझा, उसमें हमने देखा सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, वी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद अगर ऑफ मिस का या की करके क्वेश्चन में पूछे उसे सॉल्व करते हैं, वो इंटू करके सॉल्व किया जाता है यानी मल्टीप्लाई करके, फिर डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा लास्ट हमारा सब्ट्रैक्शन है। और फिर हमने तीन क्वेश्चंस देखे और इसे अप्लाई करके इसे सॉल्व किया। दिस क्लास इज ओवर, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। फ्रेंड्स, बाय बाय।